Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. धार्मिक उन्माद भड़काने व फैलाने में सक्रिय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 6 सक्रिय सदस्यों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें शामिल 4 सदस्यों को आज मेरठ में मीडिया के सामने पेश किया गया। एटीएस के मुताबिक शनिवार तड़के मेरठ से शामली के सोमटा रसूलपुर निवासी मोहम्मद शादाब, कैराना मामोर के मोहम्मद साजिद, गाजियाबाद मुरादनगर के नेकपुर निवासी मुफ्ती शहजाद और मुजफ्फरनगर परसोली जोगिया खेड़ा निवासी मोहम्मद इस्लाम कासमी को गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ मेरठ के खरखोदा में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सजवान ने यह जानकारी दी। सर, कुछ पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, खरखोदा में मुकदमा दर्ज हुआ है, कितने लोग हैं, क्या क्या धाराएं हैं और क्या क्या बरामदी है? थाना खरखोदा के अंतर्गत एटीएस के इंस्पेक्टर अनुज कुमार, उनके द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई थी, जिसमें धारा 120 बी, 121 ए, 153 ए, 295 ए, 109 आईपीसी, 505 2 आईपीसी और 13 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया और इसमें 4 व्यक्तियों के ऊपर ये मुकदमा कुल मिलाकर पंजीकृत कराया गया और उन पर ये आरोप है कि ये पीएफआई के मेंबर्स हैं। उनके पास से कुछ तकनीकी साक्ष्य मिले हैं जिनका विश्लेषण पुलिस के द्वारा विवेचना के तहत किया जाएगा और इसमें नियमानुसार विवेचना प्रचलित है। इनके नाम एक मोहम्मद शादाब हैं और एक शहजाद हैं, एक इस्लाम कासमी है और एक चौथे व्यक्ति खालिद हैं। चारों व्यक्ति इनकी गिरफ्तारी जो है ये पुलिस के द्वारा एटीएस के द्वारा ही इसमें अपने कब्जे में लिए गए थे, जिनको कि नियमानुसार करके कार्रवाई की जा रही है। इनके पास से कुछ मोबाइल फोन्स और कुछ तकनीकी साक्ष्य पेन ड्राइव्स वगैरह बरामद हुई हैं जिनका विश्लेषण किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए fastbite.tv। नमस्कार। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।